तो आप लोग गेट के एग्जाम से जो लोग दे रहे हैं उस मेंटल चीजों से पूरा रिलैक्स होके वापस आ जाइएगा। उसके बाद आने के बाद ये नहीं कि मुझे जो है सर ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ पैसा हुआ ये सब चीजें मत करिएगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट एक छोटी सी टिप्स जो है वो जो लोग गेट एग्जाम दे रहे हैं याद रहे कि गेट एग्जाम जो है वो सीएसआर एग्जाम से थोड़ा सा अलग होता है। मतलब सीएसआर एग्जाम में जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मतलब पार्ट सी पार्ट बी और पार्ट ए होते हैं जिसमें आपको चॉइसेस मिलती हैं। आप 75 में से 25, 50 में से 35 और 20 में से 15 करना होता है। और इसमें जो है 180 मिनट में उतने लेंदी और वैसे क्वेश्चन करने में आपको समय लग जाता है। तो आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं जिससे गलत होने के चांसेस बढ़ते हैं। नेगेटिव मार्किंग गेट में सीएसआर से ज्यादा होती है यानी 1/3 होती है, यह भी ध्यान रहे। और गेट ने एक तरीके का और क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया है जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। तो मैं आपको कुछ एक छोटे टिप्स ये दे दे रहा हूं कि गेट में कभी भी टाइम का इशू नहीं आता। तो आप मेंटली ये निकाल देना कि गेट में 3 घंटे, क्योंकि लगभग 65 क्वेश्चन होता है और 180 मिनट होता है, और 3 मिनट एक क्वेश्चन के लिए जिस हिसाब से गेट के क्वेश्चंस होते हैं खास करके 1 मार्क्स वाले वो इतने लंबे होते नहीं, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। और इसलिए बेहतर ये होता है कि आप जो है वो आराम से चीजों को सॉल्व करिएगा, समय लेके सॉल्व करिएगा, हड़बड़ी में मत करिएगा। दूसरी ये चीज कि नैट यानी न्यूमेरिकल आंसर टाइप और मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो चाहे क्वेश्चन आए या ना आए उनके आंसर को छोड़ के मत आना, कुछ भी लगा के आना भर के आना लेकिन छोड़ना नहीं, बिकॉज उनके नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ एमसीक्यू टाइप्स पे होती है, तो एमसीक्यू टाइप्स को वाइजली चूज करना। उसके अलावा मैंने जब गेट अपियर किया था तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं कि मैं जब पार्ट मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को करने गया था तो मुझे शुरू के 5-6 क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे थे, तो उस वजह से मेरा मोरल काफी डाउन हुआ था। ऑल दो मैंने फिर अपने आप को हेड डाउन करके वापस रिबूस्ट किया, आई कैन डू इट वाला जो बार अक्सर मैं आपको अप्रोच बताता रहता हूं, मैंने वो करने के बाद फिर से पार्ट 2 या मार्क्स 2 वाले पे जो है मैं शिफ्ट किया था, और लकली वहां से पहला क्वेश्चन बना और उसके बाद फिर क्वेश्चन बनते चले गए। तो आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप पार्ट 1 से करें, कौन से सेक्शन से शुरू करें इससे मतलब नहीं रखता है। 1 नंबर का कर रहे हैं, 2 मार्क्स का कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं, भौतिकी कर रहे हैं, जूलॉजी कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी का, वॉट एवर सेक्शन यू आर ऑप्टिंग, ध्यान रहे कि आपका पहला दो टारगेट होना चाहिए कि 2-4 क्वेश्चन शुरू जो देख रहे हैं उसमें से 1-2 तो बन जाए। अगर जो शुरुआत में 1-2 क्वेश्चन बन जाता है ना तो वो आपके कॉन्फिडेंस को इतना अच्छा बूस्ट कर देता है कि फिर आपके बाकी क्वेश्चंस जो नहीं आते हुए भी बन जाते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल आंसर्स टाइप्स वाले ज्यादातर, जिनके क्वेश्चन में पूछे गए पैरामीटर्स में ऑलरेडी यूनिट मेंशन होता है कि इस यूनिट में आपको कैलकुलेट करना है, और उस अगर आपको कभी फॉर्मूला याद ना आए तो अगर आपके पास जितनी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई हो उनके यूनिट से जरा सा कॉमन सेंस लगाएंगे कि कैसे गुणा गणित करके मैं ये वाला यूनिट ला सकता हूं, तो भी कई बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला। और इस तरीके से कई चीजों को आप सॉल्व कर सकते हैं। गेट का कट ऑफ सीएसआईआर की तुलना में कम होता है, और अगर आप सही तरीके से ऑप्ट करिएगा, नेगेटिव कम करेंगे तो आपके अच्छे रैंक आने के चांसेस है, ठीक है। एंड कह सकते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कभी भी थोड़ा सा मोरल डाउन हो तो आई कैन डू इट का जो है आंख बंद करके जितनी बार चाहे करके थोड़ा सा अच्छा फील कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बूस्ट अप देता है जिससे आपकी चीजें अच्छी हो सकती है। बाकी फिर वही बात है, अगर आपने कुछ पढ़ा होगा कुछ नहीं पढ़ा होगा इतने दिनों में, तो ये 2-4 दिन का जो मेहनत है कुछ नहीं कुछ रिजल्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने सच में मेहनत करी होगी तो एक आध दिन रिलैक्स करने से भी कोई नुकसान नहीं होगा। और सही समय पे आपने सेंटर पे पहुंचिए, एग्जाम दीजिए, और बी कूल एंड बी काम इज द ओनली थिंग जिससे आप अपने मेंटल लेवल को अच्छा कर सकते हैं और एग्जाम को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट एग्जामिनेशन।